नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश में TGT PGT की भर्ती रद्द होने से आप सभी को काफ़ी निराशा हुई, लेकिन आपके लिए एक और अच्छी खुशखबरी यहां मैं दे रहा हूं। और वो सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि TGT PGT की नई भर्ती निकल आई है। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छा है, नहीं किए तो आप इस तैयारी में लग जाइए, क्योंकि TGT PGT की जिस भर्ती का आप वेट कर रहे थे वो वापस से सरकार ने आपके लिए खोल दिया। पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। TGT हो या PGT, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छी बुक की जरूरत होगी, और बुक ऐसी हो जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर तो मिल ही जाए, साथ साथ उसकी व्याख्या भी मिले, ताकि आपको याद रहे और सही गलत में आप फर्क कर सकें। क्योंकि जब तक आप सही और गलत आंसर में फर्क नहीं कर पाएंगे ना, तो आप एग्जाम में उलझ के रह जाएंगे। और एक ये बुक है मेरे हाथ में, तो ये आपकी इस कमी को काफ़ी अच्छा खासा दूर कर देती है। रीजन क्या है कि इस किताब में सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए कि यहाँ इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर दिया हुआ है, और फिर जो सही आंसर है उसकी व्याख्या दी हुई है, और वो भी एक ग्रे बॉक्स में। तो इससे आपको पूरा ये पता लग जाता है कि इसमें आपका सही आंसर क्यों है। दूसरी बात, इसमें आपको देखिए कि यहाँ काफ़ी सारे चित्र भी बनाए हुए हैं, तो आंसर की सही व्याख्या के साथ साथ जब आप चित्र को देखते हैं, तो कहा गया है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आपको ज़्यादा याद रहता है, और अगर आप उसको पढ़ते हैं तो वो थोड़ा कम याद रहता है। तो इसमें इसीलिए चित्र भी बनाए गए ताकि आपको वो चीज़ अपने दिमाग में चित्र सहित छप जाए। तो किताब का लिंक मैंने दिया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप इस बुक को ट्राई करें, और ये बुक काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपके लिए। एक्चुअल में ये प्रैक्टिस सेट है खास करके साइंस स्टूडेंट्स के लिए। आप चाहे साइंस की तैयारी करें TGT PGT की, या आर्ट्स फैकल्टी से करें, इतिहास की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, तो प्रैक्टिस बिना आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सबसे उम्दा ये सेट साबित हो सकते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं TGT PGT की भर्ती के बारे में, और वो निकली है दिल्ली स्टेट में। तो सबसे पहली बात आपको क्लियर कर दूं कि PGT के लिए और TGT के लिए क्वालिफिकेशंस अलग अलग रखी गई हैं। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो भी दोनों के लिए अलग अलग रखी गई है। रीजन मैं आपको बता देता हूं कि 2017 में लास्ट भर्ती हुई थी दिल्ली में, और ये जो भर्ती है वो है गेस्ट टीचर्स की, या गेस्ट फैकल्टी की भी आप कह सकते हैं, लेकिन पे इसके बहुत अच्छा है। 42,000-43,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है इस गेस्ट फैकल्टी टीचर्स के लिए भी। दिल्ली में करीब 1,030 स्कूल से गवर्नमेंट के, उनमें आपको पोस्टिंग मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको पर क्लास या पर डे के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, जो कि 1,450 रुपये के आसपास पड़ता है। तो इसलिए वैकेंसी भी अच्छी है, और इसमें जो है जॉब करने का स्टेटस भी आपका ठीक ठाक रह सकता है। तो ये इसका नोटिफिकेशन है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCTE ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये इसका आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, लिंक मैंने आपको दे दिया है। तो सबसे ऊपर दिया हुआ है पब्लिक नोटिस, गेस्ट टीचर्स फॉर दी पोस्ट ऑफ TGT। तो TGT की पोस्ट है आपके मैथ, साइंस और इंग्लिश, ठीक है। PGT की बात करें तो इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है। साथ साथ EVGCS ये सब्जेक्ट है, और इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की भी ये वैकेंसी है। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट हो गए, फिर भी आप नोटिफिकेशन जरूर देख लेना एक बार। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं, हम इसकी डेट के बारे में बात करें तो आवेदन आप भर सकते हैं 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक का आपको टाइम दिया गया है। एक बात जरूर याद रखना कि आप आवेदन करेंगे तो आपको गूगल क्रोम ब्राउजर का ही यूज़ करना है। मोजिला या कोई और ब्राउजर यूज़ करेंगे तो फॉर्म आपसे नहीं भरने में आएंगे। PGT की बात करें सैलरी की, तो PGT की सैलरी 1,443 रुपये पर डे की है, और TGT की 1,403 रुपये पर डे की, यानी कि 42,000-43,000 रुपये आपकी सैलरी पड़ने वाली है। SC ST OBC को यहाँ छूट दी गई है। अब यहाँ इसकी योग्यताएं दी हुई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है, तो PGT के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए, और साथ साथ BEd किया हुआ होना चाहिए, और 36 ईयर इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है। SC ST OBC और बाकी जो एक्स सर्विस मैंस वगैरह फिजिकल हैंडीकैप्ट है उनको भी छूट दी हुई है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार। TGT में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, ऑनर्स पास से भी आप हो सकते हैं, और 45% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल और फिजिकल साइंस और सोशल साइंस ये आपके पास होने चाहिए। और इसमें कैंडिडेट की जो एज लिमिट की बात करें तो वो है 32 ईयर्स, और महिलाओं को यहाँ छूट है आपके 42 साल तक की, लेकिन CTET पास होना जरूरी है आपका, ठीक है। तो ये आपकी योग्यता है। अब इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, नेचुरल साइंस के लिए, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए, तो यहाँ अलग अलग योग्यताएँ दी हुई हैं, ठीक। तो उसके हिसाब से आवेदन आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन यहाँ आपको दिया हुआ है, तो ये डिटेल्स आपको इसीलिए दी गई हैं।
अब इसमें एक सब्जेक्ट होता है EVGC, तो इसका मतलब होता है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर। तो इसकी भी वैकेंसी आई हुई है, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो जरूर देख ले, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स है, तो EVGC का फॉर्म भरेंगे तो 30 साल इसकी एज लिमिट है, बाकी SC ST OBC को छूट दी हुई है। अदर आप देखें स्पेशल एजुकेशन के लिए, तो BEd इन स्पेशल एजुकेशन आपका किया हुआ हो, 2 साल का डिप्लोमा इसमें होता है, वो आपको किया हुआ होना जरूरी है, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आपका किया हो, या फिर कोई भी इसके बराबर का डिप्लोमा। CTET आपका पेपर सेकंड क्लियर होना चाहिए, भाई CTET पेपर सेकंड ही मांगा है इसमें क्लियर, फर्स्ट पेपर CTET का जिसने क्लियर किया है वो अलाउड नहीं हो पाएंगे। तो TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए भी एज लिमिट 30 साल ही यहाँ बताई हुई है, ठीक है ना। तो ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ दी हुई है, और यहाँ सैलरी दी हुई है, देख लीजिए आप, PGT इंक्लूडिंग EVGC की 1445 रुपये है, और TGT इंक्लूडिंग TGT स्पेशल एजुकेशन की 1403 रुपये है। तो यहाँ नीचे साइन है नवीन कुमार के, 25/11 को ये वैकेंसी आई हुई है, इसका डिस्पैच नंबर 836 25/11 का है, नीचे साइन है नवीन कुमार दहिया, सेंक्शन ऑफिसर E&V ब्रांच, ठीक है। तो ये आपका डिटेल्स इसका टीचर्स का है, TGT PGT वैकेंसी इन दिल्ली। तो डिटेल आपने देख लिया, अब आपको एक बात बता दूं कि 4 साल बाद ये भर्ती हो रही है, जो लास्ट भर्ती थी वो 2017 में हुई थी, और 50,000 के आसपास दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, जिनमें जिसके अलावा 20,000 तो उसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो उनको लेकर के काफ़ी बड़ा आंदोलन चलता रहता है कि इन्हें परमानेंट किया जाए। लेकिन ये जो वैकेंसीज में साफ साफ लिखा है कि आपकी नियुक्ति या एंगेजमेंट तब तक ही रहेगा जब तक कि उस पोस्ट पर कोई स्थायी रूप से भर्ती नहीं हो जाता। कारण क्या कि दिल्ली में जितने भी गेस्ट फैकल्टी टीचर्स लगे थे, जब इनके सिलेक्शन के लिए एग्जाम हुआ तो उसमें से काफ़ी सारे फेल हो गए थे, वो उस एग्जाम को पास नहीं कर पाए, तो सरकार ऐसे में उन्हें लेने को तैयार नहीं हुई। तो यहाँ ये बड़ी समस्या आ सकती है कि आप टीचर बनने के बाद भी अपनी तैयारी को जारी रखें तो आपके लिए बेटरमेंट रहेगा, वरना आप गेस्ट फैकल्टी ही बनकर रह जाएंगे और वहीं से रिटायर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी TGT PGT वैकेंसी नई दिल्ली के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, आपके कमेंट भी होंगे, कुछ ना कुछ आपके सवाल होंगे वो भी आप पूछ सकते हैं जरिए कमेंट बॉक्स के, मैं पूरे जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।